सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रजवी रिलीज और मेरा नाम है आशिक। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी टॉपिक में हेल्प की जरूरत पड़ती है, हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या हमारा कोई आइटम जो है वो खराब हो गया है या कोई ऐप हमारी काम नहीं कर रही या हमें फोन में कहीं पे दिक्कत आ रही है, लैपटॉप में कहीं दिक्कत आ रही है, तो फिर हम क्या करते हैं ऑनलाइन देखने की कोशिश करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है यूट्यूब। तो हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि इस टॉपिक पे कोई वीडियो है या नहीं, और यहाँ पे हर एक टॉपिक पे आपको हजारों नहीं लाखों वीडियोस मिल जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, आप एक घंटा दो घंटा तीन घंटा वीडियोज देखते रहते हैं और वहां पे सोल्यूशन कहीं पे भी नहीं मिलता, क्योंकि सारी की सारी वीडियोज जो होती है वो फेक होती है। मैक्सिमम वीडियोज आपको फेक मिलती है और आपका यूट्यूब से भरोसा उठ जाता है। हालांकि यूट्यूब इसके लिए बहुत ज्यादा काम करता है कि कहीं कोई क्लिकबेट तो यूज नहीं कर रहा, कहीं पे कोई जो है टाइटल में ऐसी बातें तो नहीं लिख रहा जो वीडियो में है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग जो है ब्रीच कर जाते हैं। वो कैसे, ये आपके वीडियो में मेथड ऐसा दिखाते हैं जो लगता है कि काम करेगा और फिर एंड में ये कुछ पता नहीं एडिटिंग करते हैं क्या करते हैं, आपको दिखा देते हैं काम कर रहा होता है लेकिन वो बिल्कुल काम नहीं। डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी वीडियो जो है वो लीजिट है, जेन्युइन है और इसने काम किया है, ये जो मेथड दिखा रहा है ये वर्किंग है और कौन सी नहीं। तो यही चीजें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये पता लगाने के लिए कि ये वीडियो सही है या गलत है, यहाँ बहुत सारी चीजें जो YouTube ने दी हुई है, अगर आप नोटिस करेंगे हमें यहाँ पे लाइक और डिसलाइक ऑप्शन मिलता है। तो हम क्या करते हैं, हमें वीडियो पसंद नहीं आती हम चले जाते हैं बाहर। अगर वीडियो में आपको धोखा मिल रहा है तो वीडियो को डिसलाइक हमेशा जरूर किया करें। तो इससे क्या होता है कि जितनी ज्यादा डिसलाइक होंगी उस तरह यूट्यूब को पता चलता है कि वीडियो सही है या गलत है और फिर यूट्यूब जो है वो इस वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो हमेशा लाइक किया करें, तो इससे ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे और यूट्यूब भी इसको प्रमोट करें। अब आप बोलेंगे कि मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा कि वीडियो सही है या गलत है। देखने से पहले अगर आप वीडियो देखेंगे तब तो आपको समझ आएगा ही आएगा कि वीडियो सही थी या गलत थी, लेकिन अगर सही थी तो वैलिड गुड, अगर गलत थी तो आपके 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे और आपका कोई काम बनेगा भी नहीं। तो सबसे पहले क्या किया करें, सबसे पहले देखा करें कि लाइक्स और डिसलाइक्स में कितना कंपैरिजन है। ठीक है, तो अगर किसी वीडियो पे 1000 लाइक्स हैं और 100 डिसलाइक्स हैं, ठीक है, तो समझ लेना चाहिए यहां पे 80% चांसेस होते हैं कि ये वीडियो जो है वो लीजिट है, वो जेन्युइन है, क्योंकि यहां लोगों ने जिन्होंने ये देखा है उन्होंने पसंद किया है। अब 1000 लोगों से आप अपने वीडियो को लाइक नहीं करवा सकते बाय फोर्स, तो ये जिन्होंने लाइक किया है जरूर उन्होंने इस वीडियो को पसंद किया है तभी इसको लाइक किया है। तो हमेशा कंपेयर किया करें लाइक्स और डिसलाइक्स, और अगर लाइक्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डिसलाइक्स तो वो वीडियो आप देखें, वो वीडियो जरूर आपके काम की होगी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है कमेंट्स का। ठीक है, तो सबसे पहला और घटिया चैनल जो होता है जिन्हें पता होता है कि हमारे वीडियो पे हमें गालियां मिलेंगी वो क्या करते हैं, अपने कमेंट्स को डिसेबल करके रखते हैं। अगर आप कोई वीडियो देखते हैं और वहां पहले आप चेक कीजिए कमेंट, और अगर देखेंगे कि वहां कमेंट्स आर टर्न्ड ऑफ फॉर दिस वीडियो ऑप्शन आया है तो आप उस वीडियो को डिसलाइक मार ही दीजिए, क्योंकि वो वीडियो यकीनन जो है वो फेक है और जाली है। क्योंकि जिसको पता होगा कि मेरी वीडियो अच्छी है और यहां पे लोगों का काम बनेगा तो वो कमेंट्स बिल्कुल बंद नहीं रखेगा, वो चाहेगा कि लोग कमेंट करें, और लोग कमेंट करना भी चाहेंगे कि भाई आपने हमारी हेल्प की, थैंक यू वगैरह, जो कुछ भी आप अप्रिशिएट करना चाहें करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरा वीडियो जो है वो घटिया है और लोग इस पे गालियां ही देंगे तो वो कमेंट्स ही बंद करके रखता है। तो जो भी वीडियो आपको मिले कि कमेंट्स डिसेबल्ड है तो वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए, आपका टाइम ही वेस्ट होगा और वहां आपका काम बिल्कुल नहीं बनेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो वहां पे कमेंट्स आपने देखने हैं और कमेंट्स आपको चेक करने हैं। कमेंट्स में आपने देखना है, आपने एवरेज निकालनी है कि अगर 10 कमेंट मैंने पढ़े या 15 मैंने पढ़े तो इसमें से लगभग 70-80% पॉजिटिव होने चाहिए। तो अगर 10 कमेंट में से 8 कमेंट है कि आपका वीडियो अच्छा है और 2 कमेंट बोल रहे हैं कि ये काम नहीं करता तो आपको वो वीडियो चेक करना चाहिए। हो सकता है कभी ऐसा होता है कि हम कोई वीडियो देखते हैं, वीडियो सही होती है, मेथड भी सही होता है, और हम कभी कभी वीडियो को स्किप कर देते हैं, 10 मिनट 5 मिनट 1 मिनट आगे चले जाते हैं, फिर हमसे कोई स्टेप मिस हो जाता है और वो फिर उस वजह से वो मेथड हमारे लिए काम नहीं करता और फिर हम कमेंट ठोक देते हैं कि ये काम ही नहीं करता। लेकिन आप अगर कहीं पे देखेंगे कि कमेंट्स जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं बहुत ज्यादा तो उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि वो 100% सही होगी, लेकिन वहां पे भी चांसेस है 80-90% कि ये वीडियो भी लीजिट होगी, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसी तरह की ये छोटी छोटी चीजें आपने नोटिस करनी है
तो आपका टाइम कभी भी यूट्यूब पे वेस्ट नहीं होगा और आपका डेटा भी कभी वेस्ट नहीं होगा। हमें आप जो है टाइटल्स की तरफ और थंबनेल्स की तरफ कभी ना जाया करें कि फोटो में ऐसा दिखाया है, वो आपको जो है क्लिक कराने के लिए लिखा होता है, क्योंकि उसको क्लिक बेट ही बोलते हैं। वो ऐसा दिलचस्प होता है, ऐसा कुछ अट्रैक्टिव होता है कि आप क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं, लेकिन फिर वहां से अंदर कुछ भी नहीं होता। तो कभी भी आप जो है क्लिक बेट की तरफ ना जाएं, आप थंबनेल्स की तरफ ना जाएं, आप ये चीजें चेक किया करें कि लाइक्स और डिसलाइक्स कितनी है, क्या कमेंट्स डिसेबल रखे हैं, क्या कमेंट्स पॉजिटिव है या कमेंट्स नेगेटिव है। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपका ना डेटा वेस्ट होगा ना आपका टाइम वेस्ट होगा और आप डायरेक्ट लिजिट वीडियो तक पहुंचेंगे और लिजिट वीडियो को देखेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। तो फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय।